नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनाकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 मैट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 13। दिस प्रेजेंटेशन इज इन हिंदी मीडियम। दो स्टूडेंट हु वांट टू वॉच प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश मीडियम, देयर इज ए सेपरेट प्रेजेंटेशन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो 12 पार्ट है हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये 13 पार्ट है, ये सीरीज जिसमें कि हम लोग 20 पार्ट्स करेंगे। 20 पार्ट्स और हर पार्ट में 5 ट्रिक्स होंगी, तो 100 ट्रिक्स है इस दौरान हम लोग करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ज़्यादातर ट्रिक्स इसमें कवर होंगे, जिससे कि आपको मैथ करने की जो स्ट्रेटजी है उसमें हेल्प मिले, अप्रोच में हेल्प मिले। पहला क्वेश्चन देखिए, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 45% ऑफ मिल्क, द अदर कंटेन 25% ऑफ मिल्क। ए कैन, कैन मीन्स यहां पे कैन का मतलब कनस्तर से रिलेटेड है, कैन डब्बा जिसको बोलते हैं, फिल्ड विद 9 पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 11 पार्ट्स ऑफ द सेकेंड लिक्विड। Find the percentage of milk in the new mixture. We have to tell the percentage of the new mixture. Now 45%, that is 45 parts you can say in A and B, 45 parts, and in second milk is 25 parts. We have to tell the milk in the mixture, in the new mixture we have to tell this amount, and the ratio is given in the C. The A liquid is 9 and B liquid is 11 parts. So this is given. So here what will be 45 minus 11, 34. 34 and 25 difference is 9. So 34% is the answer. Answer is A. So such kind of question you can solve through allegation technique. This is allegation. You must know how to use allegation. The next question is question number 2. A and B appeared in an examination. If the difference of their marks is 35 and the percentage difference of their marks is given as 7%, find the full marks for which the examination has been conducted, has been held. So how will you solve such kind of question? आप इसको इस question को कैसे solve करेंगे? A and B, देखिए डिफरेंस है 35 और परसेंटेज का डिफरेंस जो इसमें 7% दिया हुआ है, 7% डिफरेंस और 35, इट मीन्स 7% इज रिप्रेजेंटिंग 35, 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 35/7 × 100, ये वाला क्वेश्चन आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये विंडो है 7% के, जो कि 35 का डिफरेंस पड़ेगा, 35 मार्क्स का अगर 7% मार्क्स में चेंज होता है तो 500 टोटल मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर A should be the answer. Question number 3. A certain sum of money amounts to rupees 640 after 2 years and rupees 720 after 3 years. How much will it amount to in 4 years? A certain sum of money 640 rupees ho jati hai 2 saal ke baad mein aur 720 rupees ho jate hai 3 saal ke baad mein. To aapko batani hai 4 saal ke baad mein kitni ho jayegi. To is tarah ke jo question ko hum kaise karenge कि 720 और 640 का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ? 80 रुपीज। इसका मतलब 80 रुपीज है वो एक साल के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो 720 में 80 और जोड़ेंगे तो 800 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर वुड बी बी, क्योंकि फोर्थ ईयर है वो 80 रुपीज इसमें जुड़ेगा तो वो 800 रुपीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए, ए मैन बोरोज ए सर्टेन सम एंड पेज इट बैक इनटू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। इफ ही पेज बैक रुपीज 676 एनुअली एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, व्हाट इज सम बोरोड? कुछ स्टूडेंट है आमतौर पे एनुअल जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे वाकिफ नहीं होते, लेकिन एग्जाम में स्पेशली टायर 2 में ये जरूर आते हैं। तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर समझने की कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। और
बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश करते हैं और जब एग्जाम होता है तो बहुत सारे फॉर्मूले वैसे दिमाग से डिलीट हो जाते हैं। तो कोशिश यही हो, अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है लॉजिकल चीजें ज्यादा हो। हम देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या बोल रहा, वो कि 676 है उसकी ये किस्त बनी हुई है, दो किस्त इस तरह की, और किस्त का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसमें दोनों में मिला होता है तो वो किस्त बनती है। तो आप देखिए कि एक तो उसमें एक साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा और दूसरे में क्या है, दूसरे में दो साल का इंटरेस्ट जुड़ रहा होगा। तो प्रिंसिपल में एक साल का इंटरेस्ट बनकर 676 हुआ है और प्रिंसिपल में दो साल का इंटरेस्ट मिलकर 676 हुआ है। तो प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल निकालना है, एक साल वाले का, दो साल का वाले का प्रिंसिपल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे कि 676 और 100 बाय 104 एक बार करेंगे इसमें, और 100 बाय ये दो बार करेंगे, 100 बाय मतलब 25 बाय 36 डायरेक्टली कर सकते हैं, 25 बाय 26 और इसमें 25 बाय 26 और 25 बाय 26। तो ये प्रिंसिपल आ गया एक साल का, ये आ गया दो साल से रिलेटेड था वो। तो देखिए इस, ये तो आ गया 625 और ये आ गया 650। तो 650 प्लस 625 1275 1275 सी शुड बी द आंसर। ये वाले क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे करेंगे। ए फादर डिवाइड्स रुपीज 5100 बिटवीन हिज टू सन्स मोहन एंड सोहन हु आर 23 and 24 एट प्रेजेंट इन सच ए वे दैट इफ देयर शेयर्स आर इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 26 ईयर्स फाइंड द मोहन शेयर पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हाउ विल यू सॉल्व। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए जिससे कि आपको जब मैं समझाऊं तो क्वेश्चन को समझने में ज्यादा आसानी हो। इसका मतलब 23 से 26 यहां पे तीन साल है, एक की टर्म 3 years और एक की है दो साल 24 से 26 और जो अमाउंट होगी आखिर में वो दोनों की बराबर होगी। तो आप बोल सकते हैं कि जो मोहन की अमाउंट है 100 आप बोल सकते हैं 104 बाय 100 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 बाय 25 और एक बार और ले लेते हैं 26 बाय 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने मोहन लिया था और मोहन एम लिख सकते हैं आप मोहन, और यहाँ पे सोहन, सोहन उसकी 26 बाय 25 एंड 26 बाय 25 ये दोनों केस में बराबर है। तो आप बोल सकते हैं कि दो से दो काट दिया तो मोहन और सोहन इस साइड लिया है मैं, तो 25 और 26 के रेशियो में उनको अमाउंट मिलेगी। अगर मोहन को 25 रुपीज मिल रहे सोहन को 26 रुपए, ये दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑन अटेंडिंग द मोहन शेयर कितना था, एक का 25 होगा एक का 26 होगा, ये शेयर आ गया टोटल अगर 40 इन दोनों का जोड़ 51 है तो मोहन का है 25 तो 5100 होगा तो उसका होगा 25 शुड बी द आंसर, आंसर इज बी। ये वाले क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल एग्जाम स्पेशली टायर 2। तो ये था इन ट्रिक्स रिलेटेड जो कि पार्ट नंबर 13 में हमने कवर की है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने टायर 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी और सारी ट्रिक्स जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं वो हर क्वेश्चन से रिलेटेड 40 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट टायर 2। इसका मतलब अगर आप वो करेंगे 4000 जो क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होते हैं टायर 2 में एक पेपर में फुल लेंथ पेपर में, तो 100 क्वेश्चन इंटू 40 फुल लेंथ टेस्ट होंगे तो वो हो जाएंगे 4000 क्वेश्चन टोटल। वो 4000 क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर्स होंगे, इसका मतलब उसमें बहुत सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल होगा, बहुत सारी अप्रोचेज का इस्तेमाल होगा, हाउ टू सोल्व अप्रोच होगी, जिसमें कौन से छोड़ने वो भी डिस्कशन होगा, जिससे कि आप अपना स्कोर है ऑप्टिमाइज कर सकते। तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के इच्छुक हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं ssccgilpinnacle.com हमारी वेबसाइट, वहां पर जाकर टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। जहां तक
ये इंग्लिश का सवाल है, इंग्लिश की भी वहां पे 40 टेस्ट सीरीज होगी और इंग्लिश में भी हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा वीडियो लेक्चर्स के द्वारा, पीडीएफ फाइल्स भी होगी, पीडीएफ सॉल्यूशन भी होगा और वीडियो लेक्चर से भी होगा। तो इससे आप अपनी इंग्लिश और मैथ को बहुत अच्छा बनाने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश और मैथ वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसएससी के लिए, 83.33% इनका रोल होता है। तो अगर आप वो कर पाते हैं तो एक एक किस्म से बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज और सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।